दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अपडेट और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल डेली न्यूज अपडेट में। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। इस बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में कुल 230 सदस्य मौजूद रहे, जिनमें से 125 ने पक्ष में जबकि 105 ने इसके खिलाफ वोट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान देश के नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए उच्च सदन में गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के पास समान अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 20% कम हुई है। अमित शाह ने कहा कि इन प्रवासियों के पास रोजगार और शिक्षा के अधिकार नहीं थे। गृह मंत्री ने इस विधेयक के पीछे वोट बैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इस संबंध में घोषणा की थी। वहीं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को राजनीतिक हितों के बजाय राष्ट्र के हित साधने की नसीहत दी और दावा किया कि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने नागरिकता संशोधन विधेयक CAB को समानता के अधिकार सहित संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार बताते हुए इस बारे में सरकार को राजहट त्यागने की सलाह दी। हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया एक कदम बताया और दावा किया कि इससे पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। उधर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बुधवार को असम के गुवाहाटी में लगाए गए कर्फ्यू को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है।